बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन इजी स्टिचिंग बाय हरम। आज मैं आपके साथ एक खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बटन्स और लूप्स की हेल्प के साथ हम ये ट्राउज़र जो है उसको थोड़ा सा हल्का सा स्टाइलिश लुक दे देंगे। ये ट्राउज़र बनाने में बहुत ही आसान है और इसकी लास्ट फिनिशिंग लुक जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है, सिंपल और खूबसूरत। आप लोन के सूट के ऊपर या किसी भी सूट के ऊपर, फैंसी सूट के ऊपर भी इस तरह के पांचे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग स्टार्ट करने के लिए पहले मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने से कटिंग जो है वो आसानी के साथ हो जाती है। जो बिगनर्स होते हैं वो पहले मार्किंग ज़रूर कर लिया करें। 2 इंच ऊपर से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इलास्टिक के लिए। 14 इंच हमने आसन की जो है वो लंबाई के लिए मार्किंग की है। दूसरी साइड भी सेम हम उतना ही 14 इंच तक मार्क करेंगे। आसन की कटिंग के लिए 2 इंच हम अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और सेम इसी तरह ऊपर वाले पॉइंट के साथ उसको मिला के नीचे से जहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा जो मार्किंग की थी वहाँ पे हल्की सी गोल शेप दे देंगे। अब हम नीचे से पांचों के लिए 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए पांचे मैं इसी के अंदर से ही निकाल लूँगी और 2 इंच हम अंदर की तरफ कपड़ा और छोड़ के कटिंग के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे। पांचे की चौड़ाई 6 इंच मैंने रखी है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा यानी 8 इंच पे मार्किंग की है। ये देखें पांचे इस तरह हम नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसको फोल्ड कर लेंगे। अब जो 2 इंच हमने अंदर की तरफ एक्स्ट्रा जो है वो मार्किंग की थी वहाँ से थोड़ा सा सीधा रख के मार्क करेंगे और ऊपर से गोल शेप दे देंगे हल्की सी इस तरह करके। ये हमारे जो ट्राउज़र है उसके बाहर वाली साइड है। अब हम अंदर वाली साइड से मार्किंग करेंगे। अंदर वाली साइड से थोड़ा सा हल्का सा कर्व दे के मार्क करेंगे और ऊपर से गोल शेप दे देंगे। आप फ्री हैंड के साथ भी इस तरह मार्किंग कर सकते हैं। ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं इस तरह मार्किंग कर रही हूँ ताकि वो भी इसी तरह कॉपी करके मार्किंग करें। अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले बाहर वाली साइड से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। अब हम दूसरी साइड से पांचे की फिटिंग वाली साइड से कटिंग स्टार्ट करेंगे। जहां जहां हमने मार्किंग की है सेम उसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग। ट्राउजर के बाहर वाली साइड पे जो हमने कटिंग की हुई है वहाँ पे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के ऊपर से हमने 1-1 इंच के फासले पर रख के लूप्स जो हैं वो अटैच कर लेनी है। लूप्स बनाने का तरीका मैंने एक और वीडियो में शेयर किया हुआ है। इस तरह 1-1 इंच के फासले पे रख के हम लूप्स जो हैं वो अटैच कर लेंगे। याद रहे कि ये ट्राउज़र का एक साइड का हिस्सा है। अब हम दूसरी साइड जो है ट्राउज़र की वो उसके ऊपर रख के बाहर वाली साइड जो है उसको रख के स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये ट्राउज़र की बाहर वाली साइड का हिस्सा है। ये हमने ऊपर तक इसको मुकम्मल सिलाई कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सफाई के साथ जो है वो लूप्स हमारी अटैच हुई हैं। नीचे से हम इसको फोल्ड करके तरपाई कर लें या सिलाई कर लें। अब दूसरी साइड पे भी हम सेम उसी तरह लूप्स रख के लगाएंगे और लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि लूप्स की दोनों पांचों वाली साइड जो है वो सेम एक साइड पे आनी चाहिए यानी अंदर वाली साइड पे आनी चाहिए। उनका रुख दोनों का एक साइड पे होना चाहिए। इधर भी 1-1 इंच के फासले पे रख के मैंने मार्किंग कर ली हुई थी वो हमने लूप्स अटैच करने के बाद दूसरा हिस्सा ऊपर रख के ट्राउज़र का उसके ऊपर भी सेम उसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी दोनों साइड के बाहर वाले हिस्से जो है वो ज्वाइंट हो चुके हैं।
अब हम सेंटर में से आसन को सिलाई कर लेंगे, दोनों साइड से सेंटर में जोड़ के उसको सिलाई कर लेंगे। सेम उसी तरह दूसरी साइड से भी आसन जो है वो आपस में सिलाई कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे जो लूप्स के बाद जो है वो पांचे रेडी हो चुके हैं। ये ऊपर मैंने वाइट कलर के बटन अटैच किया और नीचे से तरपाई कर ली है। आप चाहे तो इधर सिलाई भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। दोनों साइड के पांचे जो मैंने रेडी कर लिए हैं, अब मैं सेंटर में सिलाई लगाऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये डिज़ाइन कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब दूसरी साइड पे भी सेम हम उसी तरह सेंटर में लाइन जैसे जैसे हमने कटिंग की हुई है सेम उसी हिसाब से हम जो है सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए। सेंटर में हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि जब ट्राउज़र सीधा करें तो उसमें बल ना पड़े और खिंचाव ना हो। ये हमारा ब्यूटीफुल ट्राउज़र हो चुका है रेडी। ऊपर मैंने इलास्टिक जो है वो अटैच कर लिया हुआ है। ये देखें कितना अच्छा और कितना खूबसूरत जो ट्राउज़र है हमारा, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में जो है रेडी हो चुका है। इसको कैरी करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ली सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करें और नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।